हम राष्ट्रवाद में उदय का पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमने अभी पिछली कक्षा में भी देखा कि किस तरह से देश में जो जनता थी वह किस तरह से भुखमरी से निपटी, उसके बाद फिर अपने हक के लिए लड़ी, विद्रोह किया गया, और उसके बाद उन लोगों को ये समझ में आ चुका था कि विद्रोह को हम उनकी कुछ मांगे पूरी करके ही हम अपने राष्ट्र को शांति स्थापित कर सकते हैं। तीसरे से जब 18 जनवरी 1871 में सुबह बेहद ठंडी थी, जबकि जर्मन के जो राजकुमार सेना प्रतिनिधि को प्रमुख मंत्री ऑटोबान विस्वा समेत महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वारसाई महल में की गई थी जो शीश महल था। इसमें प्रसंग क्राइवर जो विलियम प्रथम जो नेतृत्व से जर्मन के साम्राज्य की उन्होंने घोषणा की थी, जिसको कि उन्होंने राजा घोषित कर दिया था। फिर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो थी वह प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था, जिसमें कि जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी न्यायिक व्यवस्थाओं पर आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया गया था। मतलब जो नियम बनाए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, जो मुद्रा थी, वह आधुनिकीकरण को हम किस तरह से उसको पारित कर सकते हैं। तीसरे से कई कदम उठाए गए थे, कई कार्यवाहियां की गई थी, और कई अक्सर एक मॉडल बना, और यह इस तरह से क्या हुआ, एक मॉडल के रूप में सामने आया। फिर देखेंगे इटली। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था, जिसमें कि इटली अनेक वंशानुगत राज्यों में राष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली की जो 19वीं सदी में 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से एक था सार्डिनिया और एक इतालवी का राजघराने शासन के रूप में था। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्ग के अधीन था, और मध्य इलाके पर जो था वह पोप का शासन था, और दक्षिणी क्षेत्र में जो था वह बूर्बो राजाओं के अधीन था। इस तरह से इतालवी भाषा ने भी साझा रूप में हासिल नहीं किया था, क्योंकि यहाँ यह कितने भागों में बटा था, 7 राज्यों में बटा हुआ था। इस वजह से यहाँ पर जो इतालवी भाषा ने भी किसी को साझा हासिल नहीं किया था। अभी तक इसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप यहाँ पर क्या थे, मौजूद थे। वह इसलिए थे क्योंकि यह 7 राज्यों में बटे हुए होने के कारण। फिर 1830 के दशक में ज्यूसेपे मुत्सिनी ने एक एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, जिसमें उद्देश्यों को प्रसार करने के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया गया, जिसमें से 1831 से 31 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के कई जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया की पीठभूमि जो थे वो शासक जो थे उसको विक्टर एनुद्वित्य पर आ गई थी। मतलब इनको ये कहा गया था कि सभी राज्यों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, एकीकृत करने की कोशिश करेंगे। तीसरे से एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। यदि 7ों राज्य एक हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वहां पर आर्थिक विकास की संभावना जो है वह तेज हो जाएगी। इस तरह से इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन को नेतृत्व किया गया, जनता का विश्वास रखने लगा, और अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों ने इस तरह की इतालवी भाषा को कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, इसलिए फ्रांस की सार्डिया पोनवा एक प्रचुर मात्रा में कूटनीतिक संधि के पीछे काबूर का भी हाथ था, जिसमें सार्डिनिया के पीडमॉन्ट ने 1800 ऑस्ट्रेलियाई बैलों को हरा कर जो ऑस्ट्रेलियाई बैलों थे उनको हरा कर इसको कामयाबी प्राप्त की थी। फिर यहाँ हम देखेंगे कि नियमित सैनिकों के अलावा यहाँ पर गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया, और 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य प्रवेश कर गए थे, जिसमें कि शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में भी सफल रहे, जिससे कि 1861 में इमैनुअल द्वितीय ने एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। मतलब यहाँ पर उस इटली को एकीकृत कर दिया गया था, और उसके कौन थे, इमैनुअल द्वितीय जो थे एकीकृत इटली के राजा घोषित किए गए थे। इटली के अधिकांश निवासी जिसमें निरक्षरता की दर जो ऊंची थी, मतलब जो शिक्षित नहीं थे, उनके उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे, और इसके साथ साथ आम किसानों ने गैरिबाल्डी का समर्थन दिया और इटालियन के बारे में कुछ सुना ही नहीं था, और मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमोलियन की कौन सी पत्नी थी, मतलब इस तरह से वे मानते थे। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों का
ब्रिटेन की अजीब दास्तान, यहाँ पर राष्ट्र या राष्ट्र का जो मॉडल है यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है, मतलब जो राष्ट्र है या राष्ट्र का राज्य मॉडल कौन है, आदर्श ग्रेट ब्रिटेन को माना गया है, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण की अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति के परिणाम नहीं था, यह एक लंबा चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा थी जो 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था, 18वीं सदी में क्या था, ब्रितानी राष्ट्र था, और ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश की मुख्य पहचान जो थे, निर्जातीय इस तरह से जाति समूहों को अपनी पहचान बनाया गया था। संस्कृति और राजनीति की जो परंपराएं थी, जैसे जैसे वहां पर धन दौलत अहमियत और सत्ता की वृद्धि हुई, वैसे वैसे ही द्वीप समूह में अन्य राष्ट्रों को अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हो गए थे, और 1688 में राजतंत्र की जो ताकत जो है वह छीन ली गई थी और मध्य में एक राष्ट्र राज्य का निर्माण भी हुआ था। इस तरह से हम देखेंगे कैंट में इंग्लैंड भी था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो थी एक्ट ऑफ यूनियन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसमें इंग्लैंड व्यवहार स्कॉटलैंड अपनी प्रभुत्व जमा चुका था। यहाँ पर ब्रितानी संसद में आंग्लो सदस्यों का दबदबा रहा और ब्रितानी पहचान विकास के अर्थ में यह हुआ कि स्कॉटलैंड खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों में योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया, और यहाँ पर स्कॉटिश हाइलैंड निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी आजादी में व्यक्त किया उसमें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा था। यहाँ हम देखेंगे कि अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की भी मनाही थी उनको, और बहुत सारे लोग थे अपना वतन भी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो देश में जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म कुटुंब गहराई में बटा हुआ था, अंग्रेज में आयरलैंड प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले थे और बहुसंख्यक कैथोलिक देश के प्रभुत्व को बढ़ाने में उनकी सहायता दी गई थी। इस तरह से कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया था, और वॉल्टन ने यूनाइटेड ऑरिशियन की अगुवाई में असफल विद्रोह जो था वह 18वीं आयरलैंड के बलपूर्वक यूनाइटेड नेशन किंगडम में शामिल कर लिया गया था। फिर आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था, जिसमें प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा, राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया और पुराने राष्ट्रसंघ को माथा के रूप में उन्हें दबा दिया गया था। फिर शासक के एक चित्र और मूर्ति के रूप में भी हम अभिव्यक्ति किताब में आप देखेंगे तो आपको चित्र और कुछ अभिव्यक्ति भी उसे समझ में आएगी कि यहाँ पर 19वीं सदी में जो कलाकार थे उनके मानवीकरण करके प्रश्न को हल किया गया, और साथ ही देश के कुछ यूं भी चित्रित किया गया जो व्यक्ति हो समय राष्ट्रों के नारी के बेस में बताया गया, और जिस नारी को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला थी ही नहीं। इस तरह से नारी की छवि को राष्ट्र के रूप में वह बन गई थी। फिर आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी के रूप का प्रयोग किया था, उसी तरह से विशेष वस्तुओं और प्रतीकों को व्यक्त किया गया था। इसके साथ साथ उनका जो स्वतंत्रता का प्रतीक था वह लाल टोपी और टूटी जंजीर थी। इंसाफ आम तौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया था जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और वह तराजू लिए हुए थे। तो इस तरह से ये न्याय की को व्यक्त करने का तरीका था। इस प्रकार से नारी रूपों का आविष्कार जो था वह कलाकारों ने 19वीं सदी में किया, और फ्रांस में लोकप्रिय ईसाई नाम की मारियन को दिया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, ये सब थी स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक थे। इस तरह से सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता की एकता के प्रतीक को याद किया जा सके, और साथ ही साथ इसमें कई स्थापित ऐसे थे जिसमें सभी सिक्कों पर, डाक टिकटों पर अंकित की गई थी, जिसमें जर्मनिया जर्मन राष्ट्र के रूपक के रूप में बन गई थी। इस तरह से देखेंगे जर्मन जो रून वीरता का प्रतीक बन गया था। फिर 19वीं सदी में जो अंतिम चौथाई जो तक राष्ट्र का जो आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा तो उसे प्रथम भाग में था, और राष्ट्रवादी सीमित लक्ष्यों को यह वाला संकीर्ण सिद्धांत भी यह बन गया था। यहाँ पर हम देखेंगे एक दूसरे के प्रति जो अनुदार होते हुए भी चले गए और लड़ने के लिए हमेशा भी तैयार रहते, मतलब क्रांति करने के लिए या विद्रोह करने के लिए समय समय पर वे तैयार भी रहते थे। फिर साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल भी किया गया था, क्योंकि साम्राज्य का यदि विस्तार करना है या आर्थिक विकास करनी है तो
यहाँ पर हम देखेंगे यूरोपीय शक्तियों को अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या करना आवश्यक है, राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का होना आवश्यक है। यदि आकांक्षा ही नहीं होगी तो हम आर्थिक विकास नहीं कर सकते, इसलिए राष्ट्रवादी विकास के लिए आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया गया था। फिर 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का भी स्रोत जो बाल्कन का क्षेत्र था, यहाँ पर भौगोलिक और जाति भिन्नता थी। आधुनिक रोमानिया में भी बुल्गेरिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, इस तरह से ये इतने राष्ट्र थे, ये सारे क्या थे, उसमें शामिल थे। फिर इस क्षेत्र के निवासियों को आम तौर पर क्या पुकारा जाता था, स्लाव पुकारा जाता था। इस तरह से बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा था वह ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो बाल्कन और रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने से ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति को काफी विस्फोटक हो सकती थी और हो गई थी। इस तरह से ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के लिए जो जरिए मजबूत बनाना चाहा था, किंतु वह कम सफलता मिली और उसके बाद उसकी अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता जो थी उसके चंगुल से निकल चुकी थी। फिर है राजनीतिक अधिकारों को अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया और इतिहास को इस्तेमाल करते हुए साबित करने की कोशिश की गई, और कभी कभी स्वतंत्र थे लेकिन उसके बाद भी विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया और साथ ही साथ विद्रोही राज्य के समूह में अपने स्वप्नों की खोई आजादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में भी देखा गया था। और वह समूह जो थी वह क्या थी, अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता की परिभाषा को पहचान बनाने के लिए वह कोशिश में लगे हुए थे, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, लोगों की जो अस्तित्व थी वह खत्म होती जा रही थी, अपनी पहचान में खोते जा रहे थे। तीसरे से बाल्कन राज्य एक दूसरे से जो ईर्ष्या करते थे और फिर ज्यादा से ज्यादा देश जो थी वह एक दूसरे के इलाकों को हथियाना चाहते थे। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी थी जैसे अधिक जटिल भी इसलिए थी क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के जी प्रतिस्पर्धा भी होने लगे थी, मतलब जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी आपस में ही प्रतिस्पर्धा करने लगे थे कि किसके पास ज्यादा उपनिवेश है, मतलब वे ज्यादा से ज्यादा राज्य को अपने राज्य में या अपने देश में मिलाने की कोशिश करने लग गए थे। इस तरह से जब बाल्कन समस्या आगे बढ़ी तो उसके बाद कई प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई, जिसमें रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत जो बाल्कन के शक्तिवादियों को पकड़कर कमजोर करके क्षेत्र के प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे, और युद्ध के लिए कई युद्ध भी हुए जिसका अंततः क्या था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब ये अपने अपने उपनिवेशों के लिए अपनी शक्तियां बढ़ा रहे थे, तो इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। फिर साम्राज्यवाद से जुड़कर एक राष्ट्रवाद जो 1914 में यूरोप के महा विपदा की ओर ले जाती है, लेकिन इस बीच बीच में अनेक देशों ने जो था वह 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशीकरण कर लिया था। उस समय फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस ये बड़ी शक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए थे। इससे हम देखेंगे वे सभी राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रेरित थे। सभी में क्या था, सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना प्रेरित थी और विशिष्ट राष्ट्रवाद को विकसित भी किया गया था, जिसे विचार में समाजों में राष्ट्र राज्यों में विघटित किया गया और स्वाभिमान रूप से सार्वभौम मान लिया था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आंदोलन विकसित हुए थे वहां पर सब क्या चाह रहे थे, सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना को से प्रेरित थे और साथ ही साथ विशिष्ट राज्यों का विकास किया और राष्ट्रीय राज्यों को गठित करने में निश्चित हुआ और उसके साथ साथ स्वाभाविक जो सार्वभौम उसको मान लिया गया था।